जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे कोर्स की जो है दूसरी वीडियो, हमने पहली वीडियो बना दी थी कि काम को करना कैसे है, पहली वीडियो दूसरी वीडियो के साथ लिंक है। अगर आप दूसरी वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहली वीडियो देखें ताकि आपको मुद्दा समझ आ जाए कि हमने आर्टिकल को, कॉन्टेंट को लिखना कैसे है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू डू रिसर्च, हाउ टू डू कॉन्टेंट रिसर्च या हाउ टू डू आर्टिकल रिसर्च। देखिये, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हम टूल्स के जरिए आर्टिकल लिख लेंगे, हम लफ्जों का हेर फेर करेंगे, हम कंटेंट को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर लेंगे। तो हमने लफ्जों का हेर फेर भी करना है, हमने कंटेंट को ऑप्टिमाइज भी करना है, लेकिन ऐसे ही हमने किसी भी टूल पे अंधाधुंध हमने रिलाय नहीं करना। हमने किसी भी टॉपिक को पकड़ना है और हमने उसको रीअरेंज नहीं कर देना या हमने उसको रिफ्रेश नहीं करना। हमने पहले प्रॉपर, अगर एक स्किल सीख रहे हैं तो आपने थोड़ी सी प्रॉपर रिसर्च सीखनी है, कंटेंट को पढ़ना है कि हमने जो कंटेंट लिखना है उसके बारे में क्या लिखना है, हमारे कंपेटिटर यानी कि हमारे मुकाबलाबाजी में जो लोग हैं वो क्या लिख रहे हैं, उन्होंने कैसे लिखा है, उन्होंने कितना लिखा है, उनकी क्या स्ट्रेटजी है। मैं फिर कह रहा हूं, इट्स वेरी शॉर्ट कोर्स, ये बड़ा ट्रिकी है, बड़ा इंफॉर्मेटरी है। अभी हम जाते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, विद इन 5 to 6 मिनट में आपको हाउ टू डू आर्टिकल रिसर्च, हम गूगल पे आर्टिकल को रिसर्च कैसे करेंगे, मैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा। लैपटॉप को मेरे साथ ही ओपन कर लेना है, मेरी उस स्ट्रेटजी को, उस नजरिए को समझना है जिस नजरिए से मैं कंटेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ आ रही बात? तो वक्त को देर किए बगैर चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहां पे हम देखते हैं सबसे पहली बात किस टॉपिक पे लिखेंगे, कोई भी वो टॉपिक होगा, आपने कैसे रिसर्च करना है। तो लैपटॉप की स्क्रीन ओपन हो गया, गूगल ओपन हो गया, अब हमारा एक टॉपिक है, हमें एक कीवर्ड मिल गया, वो क्लाइंट ने दिया या हमने खुद एक ट्राई कर रहे हैं, वो कौन सा टॉपिक हो सकता है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर्स, खुद ही सजेस्ट में आ गया है। मतलब कि हम घर बैठ के जो अभी बिगिनर है, अभी जिन्होंने आगाज करना है पैसे कमाने का, वो किस तरह कमा सकते हैं। इंटर दबाया, आर्टिकल्स और जो है रिजल्ट्स ओपन हो गए, बहुत सारे रिजल्ट्स ओपन हुए हैं कि किस तरीके से मेक मनी ऑनलाइन। हम क्या करते हैं, पहली वेबसाइट को क्या कर लेते हैं, ओपन इन न्यू टैब, इसको शॉर्टकट की से कंट्रोल दबा के भी कर सकते हैं, उसके बाद दूसरी वेबसाइट, फिर तीसरी वेबसाइट, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा, हमारा टॉपिक क्या है कि हमने आर्टिकल को सर्च कैसे करना है। ठीक है, हमने आर्टिकल को लिखने से पहले उसकी रिसर्च कैसे करनी है। ठीक है, ये मैंने आपके सामने 2, 3, 4 आर्टिकल्स ओपन कर रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे ये एक आर्टिकल ओपन हो गया है, ये नर्ड वैलेट कोई वेबसाइट है और हम देखते हैं यहाँ पे ये डी लिखा होगा, इसके ऊपर ही मैं क्लिक करके रोक देता हूँ। अब यहाँ पे आप मेरी बात को समझिएगा, ये एक एक्सटेंशन है, ये एक वो ट्रिक है जिससे आप बहुत जल्दी रिसर्च कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कंपेटिटर का। तो हम जो है आपको ये भी बता देंगे एक छोटी सी वीडियो में कि किस तरह आपने इस एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है और आपने ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डिटेल एसईओ एक्सटेंशन पे, यहाँ पे एक ओवरव्यू आ जाएगा टाइटल का, डिस्क्रिप्शन का, सारी चीजों का। हम यहाँ पे एक आर्टिकल्स को देखेंगे कैसे, हमारा नजरिया क्या है। एक आर्टिकल ओपन हो गया, दूसरा ये यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये भी आर्टिकल, यहाँ डी पे हम क्लिक करेंगे डिटेल एसईओ एक्सटेंशन पे, यहां भी चीजें आ गई हैं, इसको भी हम देखेंगे, ये भी आर्टिकल है और इसके आर्टिकल को भी हम पढ़ेंगे। पहले मैं वैसे आपको आर्टिकल ओपन करके दिखा देता हूं कि ये कौन कौन से आर्टिकल हैं, क्या क्या सीन है, क्या क्या चक्कर है। ठीक है, और यहां भी हमने डिटेल एसईओ पे क्लिक किया, फिर हमें ईजी हो जाएगा सारी चीजों को गो थ्रू करना। ठीक है जी, तो हमने जब रिसर्च करनी है आर्टिकल्स की तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हेडिंग, यानी कि अगर एक उनवान है तो उसकी हेडिंग्स क्या है और उस हेडिंग के आगे सब हेडिंग। कीप इन माइंड हमारा टॉपिक क्या है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर, के एक शुरू वाला बंदा कैसे पैसे कमा सकता है। हमारे पास कितनी सारी हेडिंग्स आ गई, ये आपको नजर आ रही होंगी, देखें जैसे मिसाल ले लीजिए, ये सारी नजर आ रही हैं जी। तो हमने क्या किया, यहां से हमने वो टाइटल के साथ, हमने ये टाइटल भी ऊपर आ गया, उसके बाद हेडिंग, फिर H1, H2, H3। मैं वैसे इसको भी बड़ा डिटेल से और बड़ा इजीली इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ये इजी है, ये आपको आ जाएगा। कंट्रोल सी किया और चुप करके हमने क्या किया, यहाँ जो है हमने वर्ड फाइल ओपन की। ठीक है जी, वर्ड फाइल जैसे ही हमने ओपन की, यहाँ पे हमने क्या किया जी, यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। जैसे मिसाल ले लीजिए सिंपल, कि ये 25 वेज टू मेक मनी ऑनलाइन ऑफलाइन एट
होम, फिर उसने ये उसके बाद एक हेडिंग आ गई, उसके बाद इसकी छोटी छोटी सब हेडिंग। सबसे पहली बात, जब हम किसी भी डिटेल्ड एसईओ पे क्लिक करते हैं, हम उसकी हेडिंग देखते हैं तो तीन बड़े ही मेन पॉइंट है। उन तीन मेन पॉइंट में पहला आ जाता है स्ट्रक्चर्स, कि सबसे पहले हमने उस आर्टिकल का स्ट्रक्चर देखना है, H1 H2 देखनी है कि आखिर आर्टिकल्स की कैसे उन्होंने हेडिंग्स बनाई है, क्या क्या चीजों को कवर किया है। दूसरी बात, सबसे पहले जो चीज हम देखेंगे वो देखेंगे वर्ड काउंट, ठीक है, कि इसने आखिर वर्ड काउंट कितना रखा है। ठीक है, तो यहां पे वर्ड काउंट हमें पता चल जाएगा, यहां नीचे नजर आ रहा है, यानी कि 8260 वर्ड उसने लिखे हैं। ठीक है, अगर हम दूसरे की बात करें तो अगर हम इधर डिटेल्ड एसईओ पे क्लिक करें तो दूसरे बंदे ने कितने लिखे हुए हैं यहां पे नजर आ जाएंगे, तकरीबन 8801 कम 90, यानी कि तकरीबन इसने 7000 के करीब वर्ड लिखे हैं। तीसरा बंदा तो उसने कितने लिखे हैं, डी पे फिर क्लिक करेंगे, डिटेल्ड एसईओ पे हम चेक करेंगे कि इस बंदे ने 3261 वर्ड लिखे हैं, इस बंदे के आर्टिकल में इतने वर्ड हैं। मैं आपको इसमें यह भी थोड़ा सा बता दूंगा कि किस तरीके से किसने ज्यादा लिखे हैं, किसने कम लिखे हैं, ऐसी क्या खास बात थी कि वो भी लोग गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं विदाउट बैकलिंक्स, या उन्होंने बैकलिंक्स खरीदे, ये चीज को भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे। हम आगे चलते हैं, इस जो है हम देखते हैं इसमें कितने हैं वर्ड काउंट, इसके 8247 है। आगे चलते हैं, मैं वैसे अगर आपको, अगर मेरी पर्सनल सजेशन ले, आपके पास टाइम होगा, आप अच्छे कंटेंट राइटर, अच्छे जो है आप राइटर बनना चाह रहे हैं, अच्छा आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, तो मैं आपके सामने वीडियो लंबी ना हो जाए सिर्फ आपके लिए 5 आर्टिकल खोले हैं, कम से कम आप 5 करें। अगर आप 10 खोल लेंगे और 10 आर्टिकल्स को ऐसे जैसे मैंने वर्ड फाइल में इसकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स और सारी डिटेल निकाली है, आप भी निकालेंगे तो आपको बहुत ज्यादा, मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ताकि आप कम टाइम में एक अच्छी स्किल सीख जाएं। अब हमने वर्ड काउंट, अगर हम यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लें, CAL कैलकुलेटर ओपन हो गया, एक बंदे के वर्ड काउंट कितने हैं जी यहाँ पे, मैं दोबारा ओपन करके बताता हूँ, जल्दी जल्दी हम चलते हैं। ये वर्ड काउंट कितने हैं जी, 8200, और ये वर्ड यहाँ पे आ गए जी 8200, और प्लस का साइन आ गया उसके बाद जी। इसके कितने हैं जी, दूसरा आर्टिकल आ गया इसके हैं जी, उसके 8200 थे, इसके 6800 हैं। ठीक है, ये वैसे मैं आपको एक कुलिया है और आपको बता देता हूँ 6880, ये भी मैं आपको बताता जाऊंगा कम से कम कितने। अगर दूसरे बंदे के, ये तीसरा बंदा ओपन करते हैं, इसके कितने आर्टिकल, कितने वर्ड काउंट है, 3200। ठीक है जी, तो जमा 3200, मैं फिर कह रहा हूँ कंपेटिटर को देख के लिखना हमेशा, कि आपके साथ मुकाबलाबाजी करने वाले, जैसे किसी भी क्रिकेट मैच का टीम हो रहा है या किसी भी दो टीमें आपस में लड़ रही हैं, तो भाई हम पहले उसको एनालिसिस करते हैं, अगली टीम से केड़ा बंदा की है, कौन सा बॉलर है, कौन सा बैट्समैन है, कौन सा अटैक फील्डर है, कौन सा अच्छा जो है विकेट कीपर है, हम सारी चीजों को एनालिसिस करके फिर पूरे माइंडसेट से पूरी तैयारी से हम वहां जाते हैं, फिर जंग लड़ते हैं, फिर मैच लड़ते हैं और फिर हम जीत की कोशिश में होते हैं। हम उसके बाद चौथा ओपन कर लेते हैं, चौथे के बाद इसके देखते हैं वर्ड काउंट कितने हैं जी, इसके 8200, फिर जमा 8200, और फिर जमा इसके कितने आ गए जी, हाउ टू, इसके तकरीबन आ गए जी 3200। यहाँ पे कैलकुलेटर में ओपन कर लिया, मैं पहले 5 के क्यों लगा रहा हूँ आपको बताता हूँ, ये तकरीबन टोटल हो गए 2900, यानी कि 30000 इसको तकसीम कर लिया 5 पे। ठीक है, कि 5 आर्टिकल का आखिर वर्ड काउंट कितना है, मतलब हमारा कम से कम एक आर्टिकल की वर्थ उसको मैंने 5 के साथ क्या किया, डिवाइड किया। ये एक कुलिया है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपने कंपेटिटर से बीट करने के लिए, आपको पता कैसे चलेगा कि उस बंदे से जीतने के लिए या उस मैदान में आपको आने के लिए या उन बंदों के साथ आपने जो जंग करनी है या उस जंग में आपने अव्वल पे आना है, आपने सबसे ऊपर आना है, तो उस तरीके को आप किस तरीके से बीट करेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली आपको एक अंदाजा बन गया, उन 5 आर्टिकल्स के वर्ड काउंट को 5 पे डिवाइड कर लिया तो पता चल गया हमने 6000। ये बात तो आपको समझ आ गई कि आपने 6000 से ज्यादा वर्ड्स का आर्टिकल लिखना है। मैंने पहली बात की थी कि उसके स्ट्रक्चर्स पे, दूसरी बात मैंने की थी कि उस आर्टिकल में आपने ये देखना है कि इमेजेस कितनी है। ठीक है, ये नीचे से नजर आएंगे, इसकी 24 इमेजेस है। मैं वैसे 2-3 बंदों की और ओपन करके दिखा देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, आप खुद देख सकते हैं, ये 33 इमेजेस है। ठीक है, इस बंदे को हम निकाल लेते हैं, इसकी कितनी है जी इमेजेस, 151 इमेजेस। अब उसके बाद हम हेडिंग की, सब हेडिंग की सारी चीजों की बात करते हैं, लेकिन आपके सामने मैं क्या करता हूं, एक वो जो मैंने जिसकी हेडिंग्स कॉपी की थी
उनको मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आपको इजी हो जाए। अब मैं हम गए वर्ड फाइल में, उसके आर्टिकल को देखा, ठीक है। इस तरीके से हमने किया, इसको कंट्रोल दबा के इसके हमने वो डिजाइन खत्म नहीं किए ताकि पता चले इसके प्रॉम्प्ट का, इसके स्टाइल का, इसके स्ट्रक्चर का। उन्होंने कहा कि 25 वेज टू मेक मनी ऑनलाइन ऑफलाइन एट होम, ठीक है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, पहली उसकी जो हेडिंग जिसको H1 बोलेंगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस हेडिंग के बाद उसने सब हेडिंग बना दी, पिक अप फ्रीलांस वर्क ऑनलाइन, टेस्ट वेबसाइट एंड ऐप, लर्न AI टूल, टेक सर्वे फॉर मनी, उसकी छोटी छोटी उसने सब हेडिंग बना दी, कितनी 11। उसके बाद उसने कहा हाउ टू मेक मनी ऑन, के बाद उसने एक और हेडिंग ऐड की, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम होम, जो बंदे ऑनलाइन नहीं कर सकते वो घर बैठ कर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, उसकी भी उसने 3 हेडिंग बनाई। बड़ा ही एक जबरदस्त स्ट्रक्चर। फिर उसने कहा कि ऐसे बंदे हाउ टू मेक मनी फ्रॉम होम के बाद ऐसे हाउ टू मेक मनी ऑफलाइन, जो बंदे ना ऑनलाइन पे काम करना चाहते हैं, ना ऑफलाइन पे, ना लैपटॉप पे, ना डिजिटल दौर के साथ अटैच होना चाहते हैं, सिर्फ घर बैठ के करना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि आप अपने कपड़े बेच के सेल कर सकते हैं, आप पुरानी ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये चीज कर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीजें बेच सकते हैं, तो उसकी भी सब हेडिंग। मतलब उस बंदे ने कोई चीज भी नहीं छोड़ी, उसने बताया कि ऑनलाइन कैसे कमा सकते हैं आप, घर में बैठ के कैसे कमा सकते हैं आप ऑफलाइन, ये अच्छी चीजें हैं। उसने एडिशनल चीजें कंटेंट में ऐड की, उसने अगर वर्ड काउंट बढ़ाया है तो उसने अपनी कीवर्ड के रेलिवेंट ही एक ऐसी जो है चीज को ऐड किया जो बिल्कुल उसके साथ फिट आ रही थी। मैं आपके सामने 1-2 बंदों के और पढ़ के सुना देता हूं कि उसने H1 के बाद क्या किया, H2 पे क्या किया। देखिए जैसे हम यहाँ पे जाएंगे, हेडिंग्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ भी उसने किया हुआ है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, सेल प्रिंट डिमांड, उसका भी सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद उसने यहाँ पे तकरीबन 20, 22, 23, 24 उसने पहले तकरीबन यहाँ पे बहुत सारी हेडिंग इंक्लूड की हैं, ठीक है, H1, H2, H3। उसके बाद उसकी जो दूसरी है मेक मनी ऑफलाइन FAQ, ठीक है, स्टार्ट योर 3-डेट जो है जो ट्रायल है वो आप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे मैं आर्टिकल ओपन करता हूँ, सिर्फ आपको ओवरव्यू के लिए बता रहा हूँ। हमने हेडिंग पे क्लिक करना है और देखना है, उसने कहा हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर विदाउट इन्वेस्टमेंट, मतलब उसने कोई ना कोई अपनी जो मेन हेडिंग्स है, टाइटल की बात नहीं कर रहा, टाइटल ऊपर है जो जहां पे लिखा है 15 सिंपल वेज हाउ टू मेक ऑनलाइन फॉर बिगिनर। फिर उसने कहा जी ओपन आ POD ऑनलाइन स्टोर, स्टार्ट सेलिंग ऑनलाइन कोर्स, ये फला फला, मतलब उसने एक मेन हेडिंग के बाद H2 के बाद H3 कितनी सारी ऐड कर दी। फिर उसने कहा व्हाट्स द इजीएस्ट वे टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर्स, वो कहता साइन अप करें जो है ना प्रोडक्ट्स को, उसके बाद जो है डिजाइन को आप मर्ज करें, कनेक्ट करें आप स्टोर के साथ, फिर उसने कहा FAQ ऐड करें, फलानी फलानी, मतलब उसने अगली वाली चीजों को, अगर आपने कंपेटिटर के साथ बीट करना है, अगर आपने इन चीजों के साथ पूरी लड़ाई लड़नी है, तो कम से कम आप पूरे पहले 5 जो गूगल पे आर्टिकल ऑलरेडी पहले पेज पे आ रहे हैं, कम से कम आप उसकी हेडिंग्स को, आप हो सकता है आप अच्छे बच्चे हैं, हो सकता है आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप पूरे कंटेंट मेहरबानी करके 5 मिनट के लिए हर आर्टिकल पे लगा लें, 25 मिनट में आप एक रिसर्च कर लें, 5 मिनट ही लगते हैं जिसमें आप हेडिंग सब हेडिंग एक पूरे आर्टिकल का ओवरव्यू, और जो एक्सटेंशन मैंने आपको बताई है वो तो सब कुछ निचोड़ के रख देती है, क्या जिसमें हेडिंग के जरिए सारी चीजें नजर आ जाती हैं आपको, कौन सी हेडिंग है, यानी कि एक जो है एक टॉपिक पे आपने किन किन हेडिंग्स को, किन किन टॉपिक्स को, किन किन पॉइंट्स को कवर करना है, वो यहां तक बता रहा है, वो वर्ड काउंट भी बता रहा है, वो ये भी बता रहा है कि भाई आपने इमेजेस कितनी लगानी है। तो जो कंपेटिटर लगा रहा है, ये एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये आपके लिए बड़ी एक मुनफरिद होगी और चीजें सीखने को भी इससे मिलेंगी, ये एक इंफॉर्मेटरी क्लास है तो आप चीजें सीख लें, ठीक है। अब ये देखें, जैसे एक बंदा है उसने क्या किया जी, हाउ टू मेक मनी फॉर बिगिनर, ये उसने कहा जी ये फला फला कर लें, उसने भी सब हेडिंग बनाई है, बहुत है। उस बंदे ने क्या किया, सिंपल एक ही हेडिंग रखी है हाउ टू मेक मनी, उसने कहा 30 वेज है, एक को एक्सप्लेन कर दिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसने 30 के 30 जो है ना, या 36 तकरीबन 36, उसके बाद उसने क्या कंक्लूजन ऐड कर दिया, उसके बाद खत्म, 36 उसने सब हेडिंग ऐड कर दी। अगर हम इसकी दोबारा ओवरव्यू पे जाते हैं तो नीचे देखेंगे तो यहाँ पे नजर आएगा, एक ही उसकी H1 है और H3 तकरीबन 38 उसने 6 इमेजेस यूज की, मतलब कुछ ना कुछ उसने मुनफरिद किया। अगर हम इसकी बात करें तो इसका देख लेते हैं, इसने क्या किया, इसकी तकरीबन 25 H3 है, 25 हेडिंग है, 33 इमेजेस। अगर हम इसकी बात करें, ये देखते हैं जी इसने क्या किया दोस्त,
इसने भी एज 3 जो है 39 यूज की। अब हम लास्ट आर्टिकल की बात करें जो कि बड़ा ही जबरदस्त है, नई चीज सीखने को मिलेगी कि इसने क्या किया है जी। आपको यहां पे करके दिखाते हैं कि इस बंदे ने तकरीबन 17 एच टू ऐड की है, फिर तकरीबन एच थ्री उसकी सब एडिंग 20 ऐड की और 169, यानी कि जो साइड बार में भी पिक्चर्स ऐड हो रही हैं उसने सारे जो सोशल मीडिया की पिक्चर्स मिला के भी इन्होंने ये इंक्लूड करके बताया कि 179 कि हर प्लेटफॉर्म पे या इधर उधर कोई भी आपको इमेजेस नजर आ रही है उसने वो भी इमेजेस लगाई, यानी कि इसने इमेजेस ज्यादा लगाई हुई है। वैसे अगर हम इसके ओवरव्यू पे हेडिंग पे जाए तो वो भी पढ़ सकते हैं कि इसने डायरेक्ट लिखा हुआ है एच टू के बाद के सेल यूर स्टाफ ऑनलाइन, जो है आप ट्यूटर बन सकते हैं, सेल प्रोडक्ट ऑन अमेजोन। मतलब मैं रिपीट कर रहा हूँ, पूरी टॉपिक पूरी वीडियो का मुद्दा है कि हाउ टू डू रिसर्च। जब आप इस जो है जो डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन के साथ खेलना और इसके साथ उसके वे को समझ जाएंगे या आप मेरी स्ट्रेटजी को मेरे एक नजरिए को समझेंगे तो आप कम से कम एक पहले रिसर्च करें। आई नो के टूल सब कुछ लिख देगा लेकिन आपने ना रीराइट करना है ना ही उस टूल पे रिलाय करना है, आपने थोड़ी सी मैनुअल कोशिश करके कम से कम एक बार आर्टिकल को ओवरव्यू कर लेना, एक बार उसकी हेडिंग को, उसकी सब हेडिंग्स को, कंक्लूजन को एक बार रीड कर लेना। इससे आप बहुत एक अच्छा कंटेंट जनरेट कर सकते हैं जी। तो ये था आज का टॉपिक। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में राइज होंगे। अगर आप कहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ टॉपिक्स आपको बता देता हूँ कि आप इन टॉपिक्स की हाउ टू डू रिसर्च के रिसर्च कैसे करनी है, राइट। और उसके बाद ये जो एक्सटेंशन है इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसके मुतालिक या एक्सटेंशन के मुतालिक कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इस पे डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। और दूसरी बात, अब हमने नेक्स्ट जो टॉपिक पे जाना है वो कहां पे कि हमने चैट जीपीटी से वो कंटेंट लिखवाना है, वो चीजें लिखवानी है, उसको किस तरीके से करना है। अब हम मेन मुद्दे पे आएंगे, पहले थी रिसर्च, रिसर्च के बाद के हाउ टू डू, कि अब हमने इसको परफॉर्म कैसे करना है। स्क्रीन पे आपके सामने एक पूरा आर्टिकल लिख के दिखाऊंगा कि इस तरीके से हमने एक आर्टिकल पूरे का पूरा ऑप्टिमाइज करके उसको हमने आगे क्लाइंट को या अपने पर्सनल बिजनेस के लिए कैसे यूज करना है। तो मेरा ख्याल है अगर आपको अच्छी वीडियो लगी है लाइक ना करो खैरे, लेकिन किसी होर बंदे या बंदी ने जरूर शेयर करो ताकि उसका बल्ला उसका फायदा हो। शायद आपको बात समझ ना आए, यकीनन वो बात समझ आए। मुझे यकीन है कि जितना मैंने जोर लगाया या रात के इस टाइम मेहनत कर रहा हूँ इसका अल्लाह पाक जरूर अजर देगा। मुझे आपसे नहीं अल्लाह से अजर की उम्मीद है। तो ये एक रिसर्च थी, ये बड़ी अहम चीज थी जो मैंने बताई। अगर आप इसकी रिहर्सल करेंगे, कल जो वीडियो आएगी, मेरा आपके साथ ये टास्क भी है, रिक्वेस्ट भी है कि कल तक कम से कम आप 10 टॉपिक्स की रिसर्च कर लें। नीचे कीवर्ड्स हम बहुत सारे डाल देंगे, उन कीवर्ड्स पे भी आप क्या कर लें, रिसर्च। फिर आगे मैं आपको बताऊंगा कि कंटेंट लिखना कैसे। इस तरह आपकी ग्रिप भी हो जाएगी, आपकी एक जो है फिजिकल क्लास भी समझ ले हो जाएगी, आपकी एक टास्क भी मिल जाएगा, आपको एक इंटर्नशिप भी हो जाएगी। मैं इसको आपको कमेंट सेक्शन में अगर आप आर्टिकल लिखा हुआ सेंड कर देंगे या आप स्क्रीनशॉट भेज देंगे, हम वहां पे भी जरूर इंशाल्लाह रिप्लाई देंगे आफ्टर एंड द कोर्स। मुझे आप इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।